हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज मैं PGMI का 2.8 का अपडेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो बताऊंगा। आपका प्ले स्टोर पर शो नहीं हो रहा 2.8 का अपडेट, आपको क्रोम पर जाना है। क्रोम पर टैप टैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। देखिए, मैंने टैप टैप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है पहले से ही, आपको दिखला देता हूँ। आपको पहले प्ले स्टोर पर PGMI सर्च कर लेना, आपका अपडेट आ जाता है प्ले स्टोर पर तो बढ़िया बात है, नहीं तो टैप टैप एप्लीकेशन पर बहुत जल्दी अपडेट आ जाता है और उससे कोई बैन होने का खतरा भी नहीं है। अदर वेबसाइट पर जो डाउनलोड करते हो उस पर बैन होने का खतरा है एक बार को, पर टैप टैप ऐप पर कोई खतरा नहीं है बैन होने का। तो देखिए, आपको PGMI का अपडेट आया नहीं है मेरे प्ले स्टोर में, तो मैं आपको अपनी टैप टैप एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसको साइन इन कर लेना, लॉग इन करने के बाद जैसे आप लॉग इन कर लोगे तो देखिए, मैं अभी लॉग इन करके दिखला देता हूँ आपको। यहाँ PGMI डालना आपको सर्च में, जैसे आप PGMI सर्च करोगे तो आपको PGMI का देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो आपको शो कर रहा होगा 2.8 का अपडेट। मेरे में तो खैर अभी आया नहीं है, पर थोड़ी बहुत देर में अपडेट आ जाएगा PGMI 2.8 का, तो ये आप मैं भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो जैसे आप अपडेट आएगा तो इस पर सबसे पहले अपडेट आ जाता है, तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रख लीजिएगा। इसमें सब में पहला अपडेट देखने को मिलेगा आपको, बस थोड़े से प्ले स्टोर से 2-3 घंटे पहले ही अपडेट आ जाता है, इसमें पहले ही बता देता हूँ। और यहाँ पर 2.8 का अपडेट एकदम ऑफिशियली होने वाला, कोई बैन फैन का खतरा नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।